देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसमें लगातार सफलता मिल रही है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। इस साल सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया के तहत आज हमने ज्वाइंट बैठक की थी, जिसमें 28 विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और हम सबने मिलकर के विंटर एक्शन प्लान बनाने में मुख्य तौर पर किन किन बिंदुओं पर फोकस किया जाए उसको चिन्हित किया। उसमें 15 फोकस बिंदु जो है वो डिसाइड किए गए हैं और उन 15 बिंदुओं पर, जिसमें जैसे हॉटस्पॉट, पराली का धूल प्रदूषण, वाहनों का प्रदूषण, ओपन कूड़ा बर्निंग, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वार रूम, रियल टाइम अपॉर्चुनमेंट स्टडी, पटाखों पर प्रतिबंध, इस तरह से 15 प्वाइंट जो है वो चिन्हित किए गए हैं और उन 15 प्वाइंट पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है जो अगले 25 तारीख तक अपना विंटर एक्शन प्लान जो है अपने डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके वो सौंपेंगे पर्यावरण विभाग को और उसके बाद 1 अक्टूबर तक जो है इसको मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे। इसमें जो आपने कृत्रिम बारिश का जिक्र किया, क्या दिल्ली में उसकी जरूरत है और अगर है तो किस तरह से? देखिए, कई लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि खासतौर से जब सीवियर डेज होते हैं, जब स्थिति काफी गंभीर होती है, उस समय कृत्रिम बारिश की जा सकती है, लेकिन अभी बहुत ही प्राइमरी दौर में है। पिछले दिनों 12 तारीख को अभी हमने एक्सपर्ट्स की मीटिंग की थी, उसमें कानपुर के IIT कानपुर से एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने एक प्राइमरी प्रेजेंटेशन दिया है। हमने उनसे निवेदन किया है कि दिल्ली के अनुसार नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।